हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो कनाडा की इमिग्रेशन की तरफ से रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा नया अपडेट आया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो अपडेट है ये ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में है। इस न्यू अपडेट के मुताबिक अगर आपने अपना ऑलरेडी वीज़ा लॉन्च किया हुआ है, जहाँ इस 31 अगस्त से पहले आप अपना वीज़ा लॉन्च कर देते हैं, तो आप जो अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ शुरू कर सकते हैं। जहाँ अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप अपनी 100% स्टडीज़ ऑनलाइन करके भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। ये जो आपकी ऑनलाइन स्टडी होगी ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा को अफेक्ट नहीं करेगी। इसके अलावा जो बच्चे 31 अगस्त 2022 के बाद अपना वीज़ा लॉन्च करेंगे वो भी अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। शर्त ये होगी कि उनको अपनी जो है स्टडीज़ है मिनिमम 50% इन कैनेडा इन पर्सन क्लास में कंटिन्यू करनी होगी। इसके अलावा वो अपनी 50% जो स्टडीज़ हैं उसको ऑनलाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 2023 की सितंबर है उसके बाद अगर आप अपनी कोई भी ऑनलाइन स्टडीज़ करते हो तो वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी वीज़ा के लिए काउंट नहीं होगी। सो दिस इज़ ए रियली गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स जिनके वीज़ाज़ नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ बैकलॉग्स। बहुत सारे बच्चों के वीज़ाज़ फंसे हुए हैं जो अपना वेट कर रहे हैं वीज़ाज़ की। तो पहले IRCC ने जो ऑनलाइन स्टडीज़ की ऑप्शन थी वो बंद कर दी थी, और अब जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दोबारा से इस ऑप्शन को बच्चों को प्रोवाइड करेंगे कि वो अपनी जो स्टडीज़ हैं ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, ताकि अगर उनका वीज़ा नहीं आया तो अगर वो इन कैनेडा के बाहर हैं तो अपनी ऑनलाइन स्टडी शुरू करके अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है कैनेडा में आके ले सकते हैं। इसके अलावा जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की रिफ़ंड पॉलिसीज होती हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं वो उनको रिफ़ंड नहीं देते, लेकिन इस रूल के मुताबिक अगर वो बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ प्रोवाइड करेंगे तो जो अपनी रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं उनको अगेन अमेंड करेंगे कि अगर बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ कर देते हैं शुरू तो अगर उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो फ्यू $100 काट के, यानी कि $200-$300 जो उनकी एडमिन फ़ीस होती है उसको डिडक्ट करके वो पूरी की पूरी फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे। इससे जो आपको एक और फ़ायदा होगा वो ये है कि आपका जो है टाइम ख़राब होने से बच जाएगा और आपको नेक्स्ट इनटेक में डेफर नहीं लेना होगा। आप अपनी ऑनलाइन स्टडी शुरू करके जब भी आपका वीज़ा ग्रांट होता है आप अपना पासपोर्ट स्टैम्प करके कनाडा में ट्रैवल कर सकते हो और अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हो इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाना चाहते हैं या एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से अपना वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। Thanks for watching this video. See you in the next video.